हैदर अली की किस्मत उन पर राज़ी हो गई, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से बैटिंग सही नहीं कर पा रहे थे। कभी वो T20 में तो कभी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तो कभी न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ वो बहुत कोशिश कर रहे थे, और कोच भी बहुत कोशिश कर रहा था कि हैदर अली एक टैलेंटेड प्लेयर है, वो अपनी बैटिंग को निखारे और अपने स्ट्रोक खेले, लेकिन वो जल्द ही पुल करना चाहते थे, वो आउट हो जाते। तो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी ऐसा ही हुआ था कि 5 सीरीज़ में वो अपनी कारकर्दगी न बना सके, जिसके बाद फिर वो T20 वर्ल्ड कप से भी रह गए थे। आखिरकार ये लंकाशायर की जानिब से शान मसूद इसके कैप्टन हैं, इन्होंने 74 रन्स की पारी खेली है, जिसके अंदर उन्होंने जारहाना बैटिंग की है, और वो जो उनके ऊपर एक सहर था कि उनकी नाकामी थी बैटिंग में फलाप हो जाते, आखिरकार उनको शान मसूद ने ये ढांस बनाई कि तुम बैटिंग कर सकते हो, तुम में वो एबिलिटी है, तुम एक यंग प्लेयर हो, तुमने जिस तरह PSL के अंदर और शानदार बैटिंग की है डोमेस्टिक क्रिकेट में और रमज़ान प्रीमियर लीग के अंदर, तुम में वो टैलेंट है। तो आखिरकार उन्होंने ये बड़े अरसे के बाद 74 रन्स बनाया है, तो बहुत खुश है शान मसूद। और पाकिस्तान क्रिकेट के जो मतवाले हैं, देखने वाले हैं, वो भी काफ़ी अरसे से देख रहे थे कि हैदर अली जिस तरह PSL के अंदर खेलते थे, अपना जौहर दिखाते थे बैटिंग की, आखिरकार किस्मत की देवी उन पे मेहरबान हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरह गेंद को उन्होंने पलक झपकते ही क्लिक कर दिया, उन्होंने जारहाना 4 सिक्स लगाए हैं। और बड़े से बड़े जो प्लेयर हैं, ये एक क्रिकेट T20 में एक मेला लगा होता है जैसे IPL हो, यहाँ पे दुनिया के तमाम बॉलर्स तमाम बैट्समैन यहाँ आके अपनी किस्मत आजमाते हैं, क्योंकि ये UK की लीग है और इसके अंदर पाकिस्तान के तमाम प्लेयर, बाबर आजम खेल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं, और शान मसूद और खुशदिल शाह, ये पाकिस्तान के तमाम जो प्लेयर हैं वो खेल रहे हैं। और हैदर अली वो जल्दबाजी करते थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हैदर ने 74